दोस्तों, अगर फोरसाज की प्लान को आप देख रहे हैं, प्लान की वीडियो को समझ रहे हैं, प्लान कैसे काम करता है, फोरसाज में कैसे काम करना चाहिए, फोरसाज कैसे सिक्योर है, फोरसाज आपको कैसे बेनिफिट दे सकता है, इन सभी चीज़ों से जानने से पहले जानिए कि आखिर फोरसाज ही क्यों करें। इनके लिए दोस्तों दो बातें आपको जानना बहुत जरूरी है, सेंट्रलाइज क्या है और डिसेंट्रलाइज क्या है। अगर इन चीज़ों को आप समझ लेंगे, चीज़ों को बड़े ध्यान से समझिएगा मैं जो बता रहा हूँ, आपका 100% डाउट इस वीडियो को देखने के बाद क्लियर हो जाएगा फोरसाज को लेके, आखिर फोरसाज को क्यों करना चाहिए। दोस्तों, आज तक अगर आपने नेटवर्क मार्केटिंग में काम किया होगा तो आप सेंट्रलाइज्ड कंपनी के साथ में काम किया होगा। सेंट्रलाइज्ड क्या है समझिए, इसमें कंपनी होता है, इनका कोई मालिक एमडी सीएमडी होता है, इनका कोई ऑनर होता है, इनका अपना ऑफिस होता है, इनका प्रोडक्ट होता है, इसका एडमिन होता है, इनका अकाउंट होता है, इसकी क्लोजिंग होती है, इसको कंपनी बोला जाता है। जिनके कोई ना कोई मालिक होता है इंडिविजुअल, कोई ना कोई किसी के अधीन होता है, मतलब वो एक कंपनी होती है। आज तक आपने जो काम किया है सेंट्रलाइज में काम किया है, क्या ये कंपनी हर 6 महीने पे प्लान नहीं बदल सकता या बदलता नहीं है? क्या ये कंपनी के एमडी सीएमडी जब चाहे वेबसाइट बन कर सकता है, जब चाहे आपकी आईडी को ब्लॉक कर सकता है, जब चाहे आपको कंपनी से हटा सकता है, जब चाहे पेमेंट में डिले कर सकता है, कुछ भी कर सकता है? मतलब एक व्यक्ति विशेष का चीज होने के नाते सेंट्रलाइज जो है आपको जितना सुरक्षित दिखता है उससे कहीं ज़्यादा असुरक्षित है। और यहाँ पे लोग नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में लोग पैसे कमाए जरूर है, लेकिन 1% लोग पैसे कमाते हैं, बाकी के लोग दौड़ते रह जाते हैं। क्यों? जहाँ पे सपने दिखाए जाते हैं कि 5 साल में सक्सेस हो जाएंगे, 3 साल में होंगे, वहाँ पे दोस्त 6 महीना में प्लान बदल जाता है। तो आप कैसे सक्सेस हो पाएंगे समझिए। यहाँ पर कोई भी मालिक, यहाँ पर दूसरा कोई मालिक होता है, यहाँ पर आप खुद मालिक नहीं होते हैं। लेकिन फोरसाज की बात अगर करें तो फोरसाज सेंट्रलाइज नहीं है, डिसेंट्रलाइज है। आखिर डिसेंट्रलाइज क्या होता है समझिए। डिसेंट्रलाइज इसको बोलते हैं जिसका कोई मालिक नहीं हो, मतलब कि कंपनी ही नहीं है भाई, ये कंपनी ही नहीं है, इनका कोई ना एमडी सीएमडी है, ना इनका कोई ऑनर है, ना कोई इनका ऑफिस है, ना इनका कोई प्रोडक्ट है, ना कोई एडमिन है, ना अकाउंट है, ना क्लोजिंग है, ना बैंक है। दोस्त पहली बार अगर कोई सुनता है इन बातों को तो डर जाता है कि यार जिसका कोई कंपनी नहीं है, मालिक नहीं है, ऑफिस नहीं है, प्रोडक्ट नहीं है, खरीदना नहीं है, बेचना नहीं, तो फिर ये है क्या? तो दोस्त चीज़ों को बड़े ध्यान से समझिए, ये है आपको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में जानना है तो YouTube पर जरूर सर्च कीजिएगा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बाय मोदी जी। मोदी जी अपने देश के प्रधानमंत्री ने ब्लॉकचेन को ऊपर क्या बोला है उस स्पीच को जरूर सुनिएगा, लेकिन पहले इस वीडियो को आखिर देख लीजिए तब सुनिएगा। दोस्तों, सबसे पहली बात ये समझाया जाता है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी वो टेक्नोलॉजी है, डिजिटल लेजर है, पब्लिक लेजर है, ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, एक ऐसी व्यवस्था है जो दुनिया में अभी कहें तो हिंदुस्तान में 99% लोगों को पता नहीं है। इसमें एक और टेक्नोलॉजी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, ये है ब्लॉकचेन। ये टेक्नोलॉजी मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस के सरकार के विजन के साथ जुड़ती है, उसे आगे बढ़ाती है। इसकी मदद से सेल्फ गवर्नेंस और सेल्फ सर्टिफिकेशन को और विस्तार दिया जा रहा है और भविष्य की संभावनाओं को तलाशा जा रहा है। सरकारी प्रक्रियाओं, उलझनों, अड़चनों को इसकी मदद से दूर किया जा सकता है। इन प्रक्रियाओं में सुधार से पारदर्शिता बढ़ेगी, भ्रष्टाचार कम होगा, अपराध कम होंगे और इन सबका सीधा प्रभाव भारत के नागरिकों की ईज ऑफ लिविंग पर पड़ेगा। साथियों, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का विस्तार भारत को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग्स में बहुत ऊपर लाने की भी क्षमता रखता है। सरकार की तमाम सेवाएं, प्राकृतिक संसाधनों का मैनेजमेंट, संपत्ति का रजिस्ट्रेशन, कॉन्ट्रैक्ट, पावर कनेक्शन, कितने ही कार्यों को इसकी मदद से और तेजी लाई जा सकती है। यही समझते हुए भारत में ब्लॉकचेन पर भी नेशनल स्ट्रेटेजी बनाने के लिए तेजी से काम हो रहा है। इसमें उसे मुंबई में WEF के इस नए सेंटर से भी मदद मिले। अब एक जमाना था जबकि करेंसी टेराकोटा के मिट्टी के कॉइन बनते थे, दुनिया चलती थी। वक्त वो दल गया तो कभी तांबे के सिक्के आए, कभी चांदी के आए, कभी सोने के आए, कभी चमड़े के आए, धीरे धीरे करके कागज के आए।
अब ये बदलाव हम ही लोगों ने स्वीकार किया युग के अनुसार। अब वक्त आ चुका है कि अब कागज वाली करेंसी का वक्त जा रहा है, अब डिजिटल करेंसी हमको हमारे स्वभाव को बनाना पड़ेगा। मैं इन दिनों खास करके 8 नवंबर के बाद जिस क्षेत्र का मेरा कोई अनुभव नहीं था उसमें जरा ज्यादा इंटरेस्ट लेने का मौका आया डिजिटल करेंसी के लिए। डिमोनेटाइजेशन का दिन था 8 नवंबर और मैंने अनुभव किया कि नोट छापना, उसको सुरक्षित रखना, उसको पहुंचाना ट्रांसपोर्टेशन अरबों खरबों रुपया का खर्च है जी। एक एटीएम को संभालने के लिए, एक एटीएम को संभालने के 6-6 पुलिस वाले लगते हैं जी, जबकि टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। जेब में एक करेंसी ना हो तो भी आप अपना गुजारा कर सकते हैं, इतनी टेक्नोलॉजी आज उपलब्ध है। हम अगर जैसे सरकार ने इनिशिएटिव लेकर के भीम ऐप बनाया है, 1 रुपये का खर्चा नहीं है, आप अपने मोबाइल फोन पर डाउनलोड कीजिए, सामने वाले के पास हुआ अपना कारोबार शुरू कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देश के अरबों खरबों रुपये से अगर बचेंगे तो किसी न किसी गरीब के घर बनाने के लिए, गरीब बच्चों को शिक्षा देने के लिए काम आने वाला है। फोरसाज और सेंट्रलाइज्ड सिस्टम में क्या अंतर है वो तो आप जान चुके हैं, अब चलते हैं प्लान की ओर। साज में आप ज्वाइन 5,000, 12,000, 18,000, 24,000 से जितना कर सकें। फोरसाज में 2 स्लॉट होते हैं, X3 और X4। ठीक, अब X3 में 12-12 स्लॉट होते हैं, जैसे $5, $10, $20 लेकर $9,900 तक। ठीक, X4 में भी सेम $5, $10, $20 लेकर $9,900 तक होते हैं। अब इसमें एग्जांपल ले लेते हैं, 24,000 से आप ज्वाइनिंग करते हो, आपको कितना प्रॉफिट होगा? अब 24,000 इसमें लगाते हो तो 12,000 का आईडी X3 में लग जाएगा और 12,000 का आईडी X4 में लग जाएगा। ठीक, अब कोई पर्सन आता है 7 रुपये से, तो एक व्यक्ति से आपको 100% 12,000 रुपये मिलेगा, उसका ऑटोमेटिक यहाँ पर मिलेगा। सेकंड व्यक्ति आएगा उससे आपको 12,000 100% मिलेगा और उसका ऑटोमेटिक इसमें मिलेगा। तीसरा व्यक्ति का आपको नहीं मिलेगा, ये जाएगा सीधा अपलाइन को 100% 12,000 रुपये, और इसका ऑटोमेटिक आपको इस जगह पर मिलेगा। ठीक, फिर चौथा व्यक्ति आएगा तो इससे आपको 100% 24,000 रुपये मिलेगा, और पांचवें व्यक्ति से भी 24,000 100% मिलेगा, और छठवें व्यक्ति का रिसाइकल 100% हो जाएगा। ठीक सर जी, नमस्ते। नमस्ते सर जी। सर जी आपका शुभ नाम? करण गजानन डेपले सर जी। अच्छा, और सर कहाँ से आप? मैं औरंगाबाद से बिलोंग करता सर जी। अच्छा अच्छा, और सर फोर्सेज में कब से हो सर आप? नहीं, कुछ 5-6 महीने से। वाओ नाइस सर, और आपका जो आईडी नंबर है सर क्या है? 483346। वाओ नाइस सर, और अर्निंग कितनी है सर उसकी? 15 लाख प्लस। वाओ ग्रेट सर, और कैसा लग रहा है आपको फोर्सेज में? बहुत अच्छा लग रहा है सर। आज मेरी उम्र 22 साल है, बहुत प्राउड फील होता है कि पढ़ते पढ़ते जहाँ पे लोग सोचते हैं ड्रीम बनाते हैं, बच्चे सोचते हैं पढ़ते पढ़ते डिग्री के बाद अब क्या, बच्चे सोचते हैं डिग्री के बाद अब क्या, और मैंने ले ली यहाँ से पढ़ते पढ़ते 16 लाख की किराया। ये सिस्टम की पावर है, इस सिस्टम की। आप डिग्री लेके जाइए, कहीं और जाइए, मैं कहती हूँ नॉलेज के लिए पढ़िए, पैसा कमाने के लिए आपको ये बिजनेस। That's it.